अलैकुम, आवाज आ रही है सर? वालेकुम सलाम। आ रही है जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। क्या हाल है उम्र आपके? बस शुक्र है अल्लाह का सर, आप सुनाए? ठीक ठाक जी सर। मैं कुछ यही था कि आपसे डिस्कस करें आस्ट्रिया के बारे में। आपका केस प्रोग्रेस में है तो उसी बारे में सर आपसे थोड़ा सा, चले आपसे एक मीटिंग हो जाए। कुछ हम जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं उनके लिए भी गाइडलाइन हो जाए। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से मतलब हैं और कैसे आप मतलब जो है ना, कैसी आपकी एजुकेशन, प्रीवियस एजुकेशन किस तरह की है, क्या आपने पढ़ा है ऑलरेडी? जी सर। सर पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे टाइम दिया और मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकूँ। तो माय नेम इज़ उमर फारूक। बेसिकली आई एम फ्रॉम केपी के डिस्ट्रिक्ट लोरदीर, सही एंड बेसिकली माय बैकग्राउंड इज इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पिशावर। जी सर तो आपने मतलब केपीके से पढ़ा है। अच्छे आपके जी सर परसेंटेज क्या रही है ओवरऑल, इंटरमीडिएट जी या ये बीएस में किस तरह से रही? सर सर बेसिकली मैट्रिक में मेरा परसेंटेज शायद अच्छा था, वो 69 था शायद, अभी मुझे कंफर्म याद तो नहीं है सही सही, लेकिन शायद 69 था, और एफएससी में शायद 60 के करीब था, 60 या 62 ऐसे लगभग था। और जो मेरा प्रोफाइल मेन बना है वो बैचलर से बना है, बैचलर में मेरा 83.49% है और जीपीए मेरा 3.64 है आउट ऑफ 4। अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा। आपका मतलब ग्रेजुएशन में आपकी बहुत ज्यादा अच्छी प्रोफाइल है। और इस जीपीए के साथ साथ सर मैंने बैचलर में हमारा कंप्यूटर साइंस में पढ़ा है, तो मैंने बेसिकली मशीन लर्निंग के अंदर रिसर्च किया हुआ है, अच्छा, तो मेरे साथ प्लस पॉइंट ये भी था, यूनिवर्सिटी ने मुझे वो थीसिस का एब्स्ट्रैक्ट मांग रहे थे, तो मैंने जब उसके साथ एब्स्ट्रैक्ट शेयर किया तो बेसिकली उसने मेरे प्रोफाइल में इंटरेस्ट इसलिए लिया कि मैं रिसर्च का स्टूडेंट था, तो वो रिसर्च स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। तो ऑस्ट्रिया को मतलब आपने क्यों एज ए डेस्टिनेशन चुना, इसकी कोई खास रीजन है, इसके पीछे आपका क्या सोच थी, क्या माइंड था? सर वैसे ऑस्ट्रिया चुनने की बहुत से रीजन से अगर मैं आपको बताऊं तो पहले जब मैं सेकेंड लास्ट सेमेस्टर में था, यानी सेवन सेमेस्टर में जब मैं था, तो उसी वक्त से मैं सर्च कर रहा था, मेरा फोकस 3-4 कंट्रीज के ऊपर था। बेसिकली मैं कनाडा, जापान और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर मेरा फोकस रहा था, लेकिन रात को मैं फेसबुक पे बैठा था, वैसे मैं फेसबुक कर रहा था तो आपकी फेसबुक का एड, यानी जो स्पॉन्सर होते हैं फेसबुक में, उसमें आपका ऐड आ गया, तो सही सही। उस ऐड को मैंने देखा, फिर ऑस्ट्रिया के बारे में मैंने सर्च किया, तो बेसिकली उसकी बहुत से यानी मल्टी रीजन से एक रीजन नहीं है, एक तो वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं रीजनेबल प्राइस में, सही बात है। यानी 727 यूरो पर सेमेस्टर पर थर्ड कंट्री नेशनल पर मास्टर डिग्री, बिल्कुल ऐसे ही और उस दूसरी बात यह है कि ऑस्ट्रिया जो है ये बेसिकली यूरोप का हार्ट है, बिल्कुल और ऐसे। इसके साथ अगर हम ऑस्ट्रिया की जियोग्राफी को देखें तो उसके साथ 8 कंट्रीज की बॉर्डर लगी हुई है, तो और जो यूरोप की मेन बड़ी कंट्रीज है जैसे जर्मनी, उसके साथ हंगरी, जी इटली, अगर स्विस को हम देखें, स्विट्जरलैंड को, तो वो सारे उसके साथ लगे हुए हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, और ये कल्चर रिच कंट्री है अगर हम देखें तो, कल्चर रिच कंट्री है, और उसके साथ हमको एक पॉइंट मिलता है कि हम यूरोप की थर्ड बड़ी, जर्मन लैंग्वेज जो है वो यूरोप की थर्ड बड़ी लैंग्वेज है, फर्स्ट इंग्लिश है, सेकंड जो है वो फ्रेंच है, और थर्ड जो है वो जर्मन लैंग्वेज है, तो उसकी भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है सीखने की, सही हो और उसकी जो अगर हम लैंडस्केप को ऑस्ट्रिया की देखें तो सेम एज पाकिस्तान की तरह ही है, सही सही उसमें दरिया भी है, पहाड़ भी है, तो वैसे हमें इतना वो फर्क महसूस नहीं होगा कि मैं पाकिस्तान में हूँ या ऑस्ट्रिया में हूँ। चलिए। आपने बहुत अच्छी मतलब इसके ऊपर, आसिया के ऊपर रिसर्च जो है किया हुआ है कि उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। जो आपका अच्छा एक इंटरव्यू एजुकेशन वाइज भी मैंने बहुत रिसर्च किया हुआ है, वैसे हर यूनिवर्सिटी को टाइम्स हायर एजुकेशन की वेबसाइट से देख के इसकी यानी कॉमन रैंकिंग, फिर उसकी इंडिविजुअल रैंकिंग अगर हम देखें तो मैंने देखा था, तो JKU में मेरा एडमिशन हुआ है, तो JKU को मैंने इसलिए चुना था कि JKU अगर आप देखें तो वर्ल्ड में 157 नंबर पर वो आती है,
और जैसा कि ऑस्ट्रिया में सबसे टॉप क्लास जो यूनिवर्सिटी है कॉमनली वो यूनिवर्सिटी ऑफ वियना है, लेकिन वियना का कंप्यूटर साइंस में जो रैंकिंग है वो 201 है, सही है। तो इसलिए मैंने JKU में एडमिशन लिया क्योंकि वो टॉप रैंकिंग है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिग्री प्रोवाइड करती है उसकी पूरी यूरोप में कोई कंपेरेबल डिग्री नहीं है, वो सिर्फ एक ही डिग्री है, और उसके अंदर आपको एक इलेक्टिव ट्रैक भी प्रोवाइड करते हैं कि फोर चीज़ों के अंदर आप अपना कोई भी ट्रैक सेलेक्ट कर सकते हैं। सही 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 सही। तो आप जो मतलब आपको जो है फीस वाइज भी इसमें आपको लगा है कि ये बेहतर है ऑस्ट्रिया जैसे कि यूके यूएसए और बाकी कंट्रीज से डिफरेंट है? सर बेसिकली मुझे ऑफर भी मिला था बेंगलोर यूनिवर्सिटी का, शायद आपने नाम सुना हो, यूके के अंदर रावल पिंडी में उसकी रीजनल ऑफिस है, तो उसने मुझे कॉल भी किया था कि आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है और आप इधर आए विजिट करें तो हम आपको तकरीबन 4,000 pounds तक स्कॉलरशिप भी दे देंगे, उसके साथ 1 year का जॉब प्लेसमेंट भी दे देंगे, और उसके साथ साथ आपको 6 months की एकोमोडेशन भी दे देंगे। लेकिन मैंने उसका जो कंपैरिजन ऑस्ट्रिया के साथ किया तो मुझे लगा कि उधर नहीं जानी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ पे तो एक डिग्री 1 year की थी तो कॉमनली वो एक्सेप्टेबल होगी, लेकिन फिर अगर मैं PhD में एडमिशन लेना चाहूँगा तो फिर मुझे मसले शायद बहुत ज्यादा होंगे, या दूसरी कंट्रीज में जैसा कि जापान में US में, तो फिर मेरा फोकस इसलिए ऑस्ट्रिया पे आया कि उसका एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान के बिल्कुल पैरेलल है, यानी एक ही सिस्टम है तकरीबन अगर हम देखें, और वैसे वो भी यानी जो ऑस्ट्रिया की डिग्री है कंप्लीट डिग्री वो तकरीबन 4,000 euro में मैं डिग्री कंप्लीट कर सकता हूँ, तो अगर हम उसकी कंपैरिजन यूके से करें तो यूके की तकरीबन डिग्री अगर मैं 1 year की कंप्लीट करना चाहूँ तो 12,000 pounds में वो होती है, तो उसकी उसके दरमियान बहुत बड़ा फर्क है, और एजुकेशन क्वालिटी में भी बहुत फर्क है सर। एक तो ऑस्ट्रिया के अंदर ज्यादातर यूनिवर्सिटी जो है वो पब्लिक स्टेट्स यूनिवर्सिटीज है, और वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती है, तो अगर हम वहाँ यूके की यूनिवर्सिटीज की टाइम्स हायर एजुकेशन का रैंकिंग देखें और यहाँ पे ऑस्ट्रिया के अंदर अगर हम यूनिवर्सिटीज रैंकिंग देखें तो हमें खुलकर पता चलती है कि ये यानी एजुकेशन रिच कंट्री है ऑस्ट्रिया, और वैसे ही रीजनेबल प्राइस में हमें क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके अलावा ये भी है ना कि आप अगर ऑस्ट्रिया जाते हैं तो आपके पास शेंजन की स्टेट्स का वीजा भी बनता है, वहाँ पर रहने की अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है, PR की अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है, जर्मन सीख लेते हैं तो जर्मनी में अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है, तो इसके साथ जो फायदे हैं वो ज्यादा है कंपैरेटिवली यूके के। मैंने तो यही देखा। बिल्कुल सर बिल्कुल। अच्छा तो आपका जो प्रोसेस अब वो कहाँ तक पहुँचा है, किस स्टेज पर है इस वक्त? सर मेरा प्रोसेस जो है वो टर्मिनल स्टेज पे सर, रेजिडेंट परमिट के लिए मैंने 6 December को अप्लाई किया हुआ है, और इंशाल्लाह तकरीबन ये फरवरी तक इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि रिस्पांस आ जाए। अच्छी बात है। और आपने जो हमारी सर्विसेज हैं WSL की तरफ से आपके साथ, मतलब जो आपका सफर है अब तक, उससे उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या आपका कैसा गुजरा है, क्योंकि लोग तो बहुत कुछ ऐसे भी हैं जो फेक अकाउंट बनाकर लगे हुए हैं, मतलब बोलते रहते हैं। सर बेसिकली WSL वालों को जो बंदे ब्लेम करते हैं तो इसलिए वो ब्लेम करते हैं कि टाइम WSL वालों का ज्यादा लगता है, लेकिन वैसे ये WSL वालों का मसला नहीं है, ये तो ऑस्ट्रिया का मसला है। मैंने रिसर्च किया हुआ है, जितना मुझे पता है सर ये सारा मसला एम्बेसी की है, और एम्बेसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी की भी है सर। 3 to 6 months यूनिवर्सिटी अगर हम इनिशियली अप्लाई करें तो 3 to 6 months वो रिस्पांस में दे देते हैं, और फिर उसके बाद जो यूनिवर्सिटी का अगर हम वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करें, फिर लीगलाइजेशन के लिए करें, तो ऑलमोस्ट 6 to 8 months वो प्रोसेस लेता है, तो इस चीज़ों के बिना किसी को ब्लेम नहीं करनी चाहिए, अगर किसी का ज़मीर जागा हुआ हो, किसी का ज़मीर ज़िंदा हो, वो मरा हुआ ज़मीर नहीं हो उस बंदे का, तो वो ब्लेम नहीं करेगा कभी भी। सही कह रहे हो सर। WSL वालों के साथ पहले जब मैं अप्लाई करना चाह रहा था ऑस्ट्रिया के ऊपर, तो मैंने आपको बता दिया कि फेसबुक की एड से मैंने आपके साथ कॉन्टेक्ट किया था सर,
और इनिशियली रिस्पांस मुझे शायद उसी टाइम सर अहमद थे WSL में, अभी शायद होंगे या नहीं होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन उसी वक्त सर अहमद से मेरा कांटेक्ट हुआ था। फिर मैं ये कंफर्म करना चाह रहा था कि मैं ये कैसे कंफर्म करूं कि WSL जो है ये एक यानी रियल है या फेक तो नहीं है। तो मैंने फिर उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक की ऑफिशियल वेबसाइट पे उसका गया, और फिर बैंक अकाउंट जो था वो WSL के नाम से ही बना था, तो मुझे ये इंश्योरिटी मिल गई कि चलिए ठीक है, फ्रॉड वगैरह नहीं है। और फिर उसके बाद मैंने सर से बात की, उसने मुझे यूनिवर्सिटी दो तीन चार यूनिवर्सिटियों का उसने मुझे शायद लिस्ट सेंड किया था। तो फिर उस यूनिवर्सिटी के ऊपर मैंने देखा कि उस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज हैं, तो फिर सर अहमद को मैंने क्लियर करके फिर बता दी, मैंने लिस्ट फाइनल कर दिया तीन यूनिवर्सिटियों का, और उसने मुझे तीन यूनिवर्सिटियों में से दो दो प्रोग्राम्स में उसने मेरा अप्लाई कर लिया था। और मैंने उसने मुझे कहा था उसी वक्त WSL की फी जो थी वो 40,000 थी, तो उसने कहा कि आप टू इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, इनिशियली आप जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो डॉक्यूमेंट्स के साथ पे करेंगे। तो उस वक्त मैंने पे किया था, और वो कह रहे थे कि सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो आपने रेजिडेंस परमिट के बाद पे करनी है। अभी मैंने रेजिडेंस परमिट अप्लाई भी किया हुआ है, लेकिन अभी तक मैडम राफिया या सर अहमद किसी ने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया कि आप सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करें, लेकिन इंशाल्लाह आपका हो जाए तो लग रहे। और बेसिकली जो मेरे प्रोसेस में सबसे ज्यादा जिसका मैं मशकूर और ममनून हूँ, तो वो मैं क्रेडिट अपना क्रेडिट देना चाहूंगा मैम राफिया को, कि मैम राफिया ने अप्लाई से लेके रेजिडेंस परमिट अप्लाई करने तक हर एक स्टेप पे जब मैंने मैम राफिया को टेक्स्ट किए तो विद इन अ मिनट उसने मुझे रिस्पॉन्ड की, और जब मैंने कहा कि मैम आप मुझे कॉल बैक कर ले तो उसी वक्त उसने मुझे कॉल किया है, और जो भी यानी मेरे हर्डल्स वगैरह थे या इश्यूज थे तो उसी वक्त उसने मुझे गाइड करके सॉल्व कर दी है। और अप्लाई जो जब मेरा हुआ तो उसी वक्त शायद मैंने पिछले ईयर वो 2021 चल रहा था, तो फरवरी में मेरा सारे एप्लीकेशंस कंप्लीट हो गए थे। तो मुझे फिर रिस्पॉन्ड आना शुरू हो गई, पहले मुझे कैरेंटिन यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस से रिस्पॉन्स आया था, लेकिन उसने लीगलाइज डॉक्यूमेंट मांगे थे, तो फिर उस वक्त मसला ये हो गया था कि एम्बेसी ने मुझे टाइम बहुत ज्यादा दिया था, तो वैसे मैम रॉपिया ने मुझे गाइड किया था कि वैसे अभी टाइम ज्यादा है तो लीगलाइजेशन वेरिफिकेशन अप्लाई कर लेते हैं और उसके साथ साथ दूसरी यूनिवर्सिटियों के ऊपर भी फोकस करते हैं। फिर लकीली सेकंड यूनिवर्सिटी ऑफ लाजनपुर का भी मुझे रिस्पांस आ गया, और थर्ड फिर JKU का रिस्पांस आया। तो JKU के रिस्पांस आने तक मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो चुके थे, और जो डेडलाइन उसने मुझे दिया था तो उस वक्त तकरीबन लीगलाइजेशन के बाद मेरे साथ सिर्फ 5 days रहते थे। तो फिर मैंने मैम राफिया से डिस्कस किया कि मैम अभी तो मेरे साथ 5 days है, तो मैं क्या करूंगा, वैसे मैंने टेंशन ले ली। और तो मैंने मुझे कह दिया कि आप यूनिवर्सिटी को ईमेल करके वो आपका एक्सटेंशन दे देंगे। तो जब मैंने उसे ईमेल किया तो मुझे एक्सटेंशन मिल गई, तो मैं बहुत बड़ा खुश हुआ, और वैसे दिल से मैम राफिया को दुआएं भी निकल रही थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ था उसकी हेल्प की वजह से। तो उसके साथ साथ फिर मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना शुरू कर दिए। तो फिर मुझे जब RFP की रिस्पांस आई तो एम्बेसी से, तो उतना टाइम उसने दिया था कि फिर मैंने टेंशन पकड़ ली, और तकरीबन उसमें 6 months का उसने टाइम दिया था। फिर मैंने मैम राफिया के साथ कॉन्टेक्ट की, तो मैम राफिया ने फिर गाइड कर दिया कि वैसे ही एम्बेसी को हम ईमेल कर लेंगे और इंशाल्लाह वो आपको यानी शॉर्ट टाइम में अपॉइंटमेंट दे देंगे। तो जिस तरह उसने गाइड किया था मैंने उसी गाइडेंस पे ईमेल की एम्बेसी को, और एम्बेसी ने मुझे फिर दो उसने मुझे अपॉइंटमेंट दिए थे। एक मुझे अपॉइंटमेंट मिला था January 2021 की, अभी 2022 की, और उसके बाद मुझे एक अपॉइंटमेंट और भी मिली 6 December की। Yes.
तो उसी में तकरीबन उस वक्त 10 डेज थे। हाँ तो फिर वो टेंशन वाली फेज आ गई और मैं टेंशन में फिर पड़ गया कि अभी तो 10 डेज है और मैंने सब कुछ मैनेज करनी है। तो उस वक्त मेरे पास ना रेजिडेंस के लिए एकोमोडेशन थी कि मैं उसको एकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट शो करूं, ना उसके साथ साथ मैम ने मुझे बताया था कि बैंक स्टेटमेंट के साथ आपने टैक्स रिटर्न भी बनवानी चाहिए, तो ना मैंने टैक्स रिटर्न बनवाए थे और सब कुछ यानी मैंने मैनेज नहीं किया था। लेकिन मैम ने मुझे कहा कि वैसे कॉन्फिडेंस से आपने सब कुछ करनी है और वैसे इंशाल्लाह हम कर लेंगे, ये बहुत बड़ा टाइम है। तो उसी 10 डेज के अंदर सर ट्विस्ट की बात यह है कि उसमें 2 जो थे वो वीकेंड्स आ रहे थे, यानी हफ्ता इतवार स्टार्ट में भी आ रहे थे और बाद में भी आ रहे थे। तो सही सही 6 डेज के अंदर सब कुछ मैनेज करनी थी। तो फिर मैम ने मेरे साथ बहुत बड़ा हेल्प किया और मैंने एकोमोडेशन ढूंढी। एकोमोडेशन की पेमेंट का फिर इशू हुआ लेकिन लकीली वो भी अल्लाह ताला ने हल कर दी और एकोमोडेशन भी मिल गया, टैक्स रिटर्न भी बनवा लिए और उसके साथ साथ ट्रेवल इंश्योरेंस। और लकीली मैंने फिर यानी उस 6 दिसंबर की अपॉइंटमेंट को मैंने अटेंड कर ली और मैंने आरपी सक्सेसफुली सबमिट कर दिया। अभी अल्लाह ताला से अच्छी की उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ इंशाल्लाह रिस्पांस आ जाएंगे सर, इंशाल्लाह हो जाएंगे सर। लेकिन मैं आखिर में फिर भी कह रहा हूँ कि मैं सारा अपनी चीज का क्रेडिट अपने फैमिली के बाद खुद के बजाय मैम राबिया को देना चाहूंगा, क्योंकि मैम राबिया जितनी प्रोफेशनल है, जितनी प्रोफेशनलिटी से उसने मेरा प्रोफाइल हैंडल किया है, मेरा एप्लीकेशन और मेरा सारा प्रोसेस, और उसके साथ साथ उसकी रिस्पॉन्सिवनेस का कि वो कितने रिस्पॉन्सिव है और कितने यानी अच्छी अखलाक की बंदी है। तो मैं समझता हूँ कि सारा क्रेडिट जो है वो मैं उसको देना चाहूंगा। मैंने उसको रिकमेंड भी किया था, वैसे मेरा कंसल्टेंट्स का बहुत एक्सपीरियंस रहा है, मैंने इसके ऊपर तकरीबन 1 ईयर का रिसर्च किया हुआ था सर। ठीक हो गया। तो जो यूरोप के लिए मैं समझता था कि बेस्ट सूट वो सर डील कर रहे हैं स्वीडन हंगरी को, स्पेशली हंगरी की उसकी मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई रिप्यूजल केस है, इतने वो प्रोफेशनल थे। लेकिन फिर जब मैंने आपकी प्रोफाइल देखी और आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस हुआ तो उसकी यानी बीच बहुत बड़ा फर्क है सर। वो तकरीबन जो पैसे चार्ज करते हैं वो 1.5 से 2.5 लाख चार्ज करते हैं एक बिल्कुल केस ऐसे की। ही, बिल्कुल ऐसे ही है। और वैसे जिस टाइम मैंने अप्लाई किया था सर, तो मैंने 2020 से एप्लीकेशन स्टार्ट की थी लेकिन बीच में कोरोना आ गया तो फिर केस डिले हुआ था। वैसे एम्बेसी भी कभी कभी बंद होती थी, उधर से भी डिले थी सर, और स्टाफ कम थी, 50% थी। तो प्रोसेस इसलिए प्रोसेस में बहुत सारा टाइम टाइम ले लिया लिया गया, मेरा। टाइम ले लिया, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन उसी वक्त मैं समझता हूँ कि 40,000 के ऊपर अगर कोई किसी का केस हैंडल करे तो मैं नहीं, यानी मुझे नहीं लगता कि ये कोई और बंदा ऐसा होंगे सारे पाकिस्तान के अंदर या सारे यानी वर्ल्ड के अंदर कि उतनी चीप रेट में यानी चीप प्राइस में आपको यानी हेल्प क्वालिटी कर दे, बिल्कुल कंसल्टेशन जो है वो कर ले। तो बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हमारा अगर कंसर्न कंपैरिजन कर ली ये, बोले बोले। जी सर, अगर कंपैरिजन कर लिया जाए तो कंसल्टेशन की क्वालिटी के ऊपर अगर फोकस किया जाए तो जितना आपकी कंसल्टेशन है WSL वालों की, इतना मैं नहीं समझता कि किसी और का एक्सपीरियंस होंगे या वो इसी तरह जो है वो हैंडल करेंगे। बिल्कुल और बिल्कुल दूसरी बात जो यानी प्राइस का फर्क है कि कितने वो एक्सपेंसेस चार्ज करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। वैसे कोई 1.5 लाख चार्ज करते हैं, कोई 2.5 लाख तक बंदे चार्ज करते हैं, लेकिन वैसे ही 40 या 50,000 या 60-70,000 के अंदर, अभी मैं नहीं जानता WSL वालों की यानी केस की फी कितनी है, एप्लीकेशन की फी, लेकिन उसी वक्त का मैं बता रहा हूँ। हमारी मोस्टली यही है, 40, 50, 60, इससे ज़्यादा नहीं होती, इतने ही चार्जेस हम मोस्टली जी लेते हैं। ये सर, टोटल होते हैं, उसमें भी एडवांस अमाउंट, आप सपोज आपने अभी तक, जैसे आप बता रहे हैं कि आपने शायद 50% पे किया है, यानी 20,000 पे किया होगा, तो अब तक का जो हमारा सफर जी है, सर, ये यानी साल 1.5 साल का या जितना भी बनता है,
तो उसमें वो 20,000 ही है, उसके बाद आपसे कोई अमाउंट नहीं ली गई और ना ही ली जाएगी, जी मतलब सर ये बिल्कुल अलग हम कोशिश बिल्कुल करेंगे ऐसा ही आपको। है। बिल्कुल ऐसे ही वेस्ट की बात तो यही है ना कि आपने ना पैसों के ऊपर टॉर्चर किया है ना आपने बोला है। और वैसे सर WSL की जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वैसे कंसल्टेंट के जो बंदे होते हैं दूसरे कंसल्टेंट का एक्सपीरियंस भी रहा है, वैसे मेरे कजिन भी गए हैं दो तीन। तो उस हर महीने के अंदर वो पैसे मांग रहे होते थे कि पैसे हैं, लेकिन या ट्रेवल इंश्योरेंस का या सागापिया ने मुझे बता दिया था कि अगर आप खुद, आवाज आ रही है सर, हाँ जी हाँ जी आ रही आ रही। इंटरनेट का शायद थोड़ा सा इशू है यहाँ पे, वैसे मैं नॉर्दर्न एरिया से हूँ तो इसलिए इशू रहती है सर। सही सही सही। तो उसने मुझे खुद ये सजेशन दी थी कि आप खुद पे करें तो अच्छी होगी। मैं ये बात इंश्योर करना चाह रहा हूँ कि WSL वाले आपसे किसी भी चीज़ के पैसे नहीं लेते, अलावा आपकी एप्लीकेशन फी की जो इनिशियली आप 50% पे करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल, उसके बाद कोई पैसे नहीं है, आप सारे खुद पे करते हैं तो सबसे अच्छी बात ये है सर। जी तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया हमारे लिए। थैंक यू सर, आपकी शुक्रिया अदा करनी चाहिए, आपने मेरे शुक्रिया अदा नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूँ जो एहसान आपने मेरे ऊपर किया है नहीं ट्वेंटी यार थाउजेंड ऐसा के नहीं, ऊपर, क्योंकि देखे ना हाँ रिमेनिंग तो अभी भी रहती है सर, तो हाँ नहीं, अल्लाह करे अल्लाह हाजिर नाजिर है। मैं जानता हूँ कि मैंने आपकी शुक्रिया अदा करनी चाहिए, और वैसे ही इंशाल्लाह मैं आपके साथ इन टच रहूंगा। अगर इंशाल्लाह। मैं ऑस्ट्रिया मूव भी कर लूँ तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ इन टच रहूंगा, और ये हमारे WSL की जो जितनी भी कम्युनिटी होगी वो मैं जिंदा रखूंगा इंशाल्लाह बढ़िया ठीक है, इंशाल्लाह। बहुत 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 अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें ठीक है, ज़्यादा ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ, ठीक हो गया ना, अल्लाह ओके सर, ओके। ओके।